नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार। महेश्वर सूत्र, ये जानने के लिए कि महेश्वर सूत्र है क्या, इसके बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने तांडव किया था तो उन्होंने अपने डमरू से जब डमरू बजाया था तो 14 ध्वनियाँ निकली थी, या 14 संख्या में ध्वनियाँ निकली थी, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और यही ध्वनियाँ या महेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार बनी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। पहला है अ ई उ ण, दूसरा ली लि क, ए औ अंग, ए औ च, हा य व र ट, ला ळ, ञ म ङ, ग ळ न म, झ भ ञ, घ ढ द श, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श श र ह ल। तो 1 से लेकर 14 तक ये महेश्वर सूत्र की ध्वनियाँ हैं। इन्हीं के आधार पर हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। तो महेश्वर सूत्र जान लेने के बाद हम प्रत्याहार पढ़ते हैं। अगर हमें महेश्वर सूत्र ढंग से पता है तो हम प्रत्याहारों को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। महेश्वर सूत्र जानने के बाद अब हम प्रत्याहार की बात करते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप करना, मतलब संक्षेप करना ही प्रत्याहार कहलाता है। तो मान लीजिए हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, ज़्यादा उदाहरण नहीं, सिर्फ 2 ही उदाहरणों से ये समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं कि अट प्रत्याहार लिखा हुआ है, अब इसको विस्तार करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें महेश्वर सूत्र तो पता ही होने चाहिए, तो अक प्रत्याहार का हमें निर्माण करना था। तो हम देखेंगे कि आ और का आता कहाँ पे है, तो आ हो गया और ये का हो गया। तो इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि हम इनमें जो अंतिम वर्ण होता है उसको शामिल नहीं करते। तो जितने भी सूत्र के अंतिम वर्ण हैं उनको हम शामिल नहीं करेंगे, बाकी शुरुआत का और इनके बीच के जितने भी वर्ण रहेंगे सबको शामिल करेंगे, पर अंतिम वर्ण को हम शामिल कभी नहीं करते। ये जितने भी अंतिम वर्ण आप देख रहे हैं ये सब कभी नहीं शामिल होंगे। तो अक प्रत्याहार में अ ई उ री ऋ, ये आ भी शामिल होगा, शुरुआत का शामिल होता है, आ ई उ ये अंतिम है शामिल नहीं होगा, और री ली और ये क ये भी शामिल नहीं होगा। तो इस प्रकार अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री ली आते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला है अण प्रत्याहार। तो इसमें आ ई और उ 3 वर्ण आते हैं। तो महेश्वर सूत्र में देखेंगे तो आ और हमको अणा ढूंढने पर यहाँ मिल गया। तो अब इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण हैं उनको लिख लेंगे, लेकिन अंतिम वर्ण को हम लोग नहीं लिखते, शुरुआत के लिखते हैं। तो अंतिम वर्ण वो शुरुआत का आ ई ऊ, ये दोनों ये तीनों अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। बस इसी तरह अगर कोई भी पूछे आ चा पूछे अच पूछे, तो अंतिम को छोड़कर शुरुआत वाले को शामिल करके इनके बीच में जितने भी वर्ण हैं सबको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम प्रत्याहार को समझ सकते हैं, और कोई भी प्रश्न पूछा जाए इनके संदर्भ में तो हम कर सकते हैं। तो प्रत्याहार और महेश्वर सूत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, और फिर भी कोई अगर पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।